आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मोदी सरनेम का जो मामला है अब और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ललित मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। ललित मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, कह रहे हैं कि राहुल को ठोस सबूत मैं देने की चुनौती देता हूं। ब्रिटेन में राहुल पर केस करने की बात भी ललित मोदी ने कही है। कई कांग्रेसी नेताओं पर बड़ा दावा कर रहे हैं ललित मोदी और कह रहे हैं विदेश में संपत्ति है उनकी और ऐसे मेरे पास सबूत हैं, मैं दिखा दूं क्या। ललित मोदी कह रहे हैं कांग्रेसी नेताओं के पास बड़ी संपत्ति है विदेश में, उसके सबूत भी मेरे पास हैं, कैसे आपने मुझ पर उल जुलूल आरोप लगा दिए। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनावी प्रचार के दौरान बड़ा बयान मोदी सरनेम को लेकर दिया था, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम उन्होंने लिया था और कहा था कि क्यों आखिर सभी जो चोर हैं वो मोदी होते हैं। ऐसे में एक तरफ मुश्किलें बढ़ गईं जब इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर शिकायत राहुल गांधी की हुई, फिर कानूनी कार्रवाई हुई, 2 साल की सजा सूरत की सेशंस कोर्ट ने सुना दी है, इसी के चलते लोकसभा सदस्यता चली गई है। और अब ये ललित मोदी का ताजा ट्वीट जो बता रहा है, कह रहे हैं कि राहुल को मैं चुनौती देता हूं और मैं राहुल गांधी के उस बयान को लेकर केस करने की तैयारी में अब हूं। कह रहे हैं कि कई कांग्रेसी लीडर्स ऐसे हैं जिनकी विदेशों में संपत्ति है और ऐसे सबूत भी मेरे पास हैं मोदी सरनेम को लेकर। अब ललित मोदी ने ये पलटवार राहुल गांधी पर किया है। हालांकि सवाल ये भी कि 2019 का ये मामला है जिसे अभी चुनौती दे रहे हैं ललित मोदी। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सीनियर कोलीग राशिद हाशमी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ। राशिद, 2019 का ये मामला है, राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ी वो तो समझ में आता है कि कोर्ट में मामला था, लेकिन ये ललित मोदी ने इतना ठहर कर जवाब क्यों दिया? राशिद, रचना, हालांकि आपका सवाल मैं नहीं सुन पाया, लेकिन ललित मोदी को लेकर के जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि राहुल गांधी पर गुस्सा दिखाते हुए ललित मोदी ने ये कहा, मोदी सरनेम के साथ में क्यों आखिरकार ललित मोदी का नाम घसीटने की कोशिश की गई। ललित मोदी ने ये कहा कि यूके की अदालत तक घसीटेंगे राहुल गांधी को अगर राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तब। एक ऐसे वक्त में ये ललित मोदी ने एलिगेशन लगाए हैं, जब आपको पता है कि राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में केस, अदालत में ने राहुल गांधी को सजा का ऐलान किया है। मोदी सरनेम को लेकर के जो राहुल गांधी ने 2019 में बयान दिया था, कर्नाटक के कोलार में दिए गए बयान के बाद में राहुल गांधी ने अब एक नया आंदोलन की चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने एक ऐसे वक्त में जबकि सत्यमेव जयते आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं, तो ललित मोदी का यह कहना है कि मोदी सरनेम के साथ में उन्होंने कई लोगों की बेइज्जती की है, मोदी सरनेम के साथ में ललित मोदी का नाम क्यों घसीटा गया है। ललित मोदी का यह कहना है, मैं तो आईपीएल कराया करता था, मेरा तो क्रिकेट के साथ में संबंध रहा है, मैं तो खुद ही अपने केसेस लड़ रहा हूं और एलिगेशन के खिलाफ जितनी भी लीगल रेमेडी है उसे लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे में राहुल गांधी ने क्यों डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी सरनेम के साथ में ललित मोदी का नाम घसीटा। ललित मोदी को शिकायत ये भी है कि नीरव मोदी जैसों के साथ में आखिरकार क्यों तुलना करने की कोशिश की है। राहुल गांधी के बारे में ललित मोदी का यह कहना है कि यूके की अदालत में घसीटेंगे, और चूंकि यूके में अभी वो हैं और यूके का जो कानून है उसके मुताबिक ललित मोदी का यह कहना है कि वो अदालत में सू करेंगे राहुल गांधी को। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को अभी तक तो चैलेंज हिंदुस्तान में मिल रहा था, लेकिन अब ललित मोदी जैसे वो जो भगोड़े हैं, ललित मोदी जिन पर क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा घपला घोटाले का आरोप है, ललित मोदी वो जो आईपीएल के एक जमाने में किंग कहे जाते थे, ललित मोदी जो पिछले लगभग एक दशक में यूके में आप लिए हुए हैं, वो ललित मोदी अब उसका यह कहना है कि राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं, अदालत तक घसीट करके लेकर के जाएंगे। मोदी सरनेम को लेकर के जो राहुल गांधी ने बयान दिया था लगभग आज से 4 साल पहले उसे लेकर ये बहुत बड़ा राशिद इसलिए भी मन में आती है कि कोर्ट में तो मामले लंबित रहते हैं, कोर्ट तो अक्सर टाइम लेते हैं इस तरह के केसेस में, लेकिन ललित मोदी ने 2019 के बयान पर अब रिएक्शन दिया है, ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस खटक रहा है और सवाल मन में आ रहा है कि आखिर अभी ये वक्त क्यों चुना। बहुत शुक्रिया अभी के लिए राशिद आपका इस अपडेट के लिए। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ललित मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यूके के कोर्ट में घसीटने की बात कर दी है और कह दिया है कि इस तरह सभी को एक सरनेम का नाम लेकर इस तरह घसीटा नहीं जाता, आरोप नहीं लगाया जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।